गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हैप्पी ईद उल अज़्हा आपको सभी को मेरी तरफ से। और आज का टॉपिक कोई मोबाइल से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि मैंने सोचा यार मोबाइल से रिलेटेड हर रोज़ वीडियो डालता हूं तो कुछ नया करते हैं आज। तो मैंने सोचा पबजी के बारे में, डेली लाइफ में हम जो करते हैं उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो आप पबजी का एडिक्शन हो तो इसमें कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप एडिक्शन से बच सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टिप है मेरी तरफ से, आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास पबजी खेलते हो, आप ज़्यादा पबजी खेलते हो, तो आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, मुझे एक घंटा या डेढ़ घंटा इस टाइम खेलना है। तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और ये आप अपने फ़ोन में अलार्म वगैरह लगा दीजिए कि मैंने अब स्टार्ट किया, अलार्म अपने थोड़े टाइम बाद अपने आप बज जाएगा, मुझे इतने टाइम से इतने टाइम तक खेलना है। क्योंकि आप पबजी में घुस जाते हो तो उसमें आपको फिर टाइम का नहीं पता चलता कितना टाइम है कितना नहीं, इसलिए आप पबजी में जाने से पहले एक अलार्म सेट कर दीजिए। क्योंकि अंदर जब चले गए पबजी के तो टाइम नहीं पता चलेगा, फिर गेम में इंटरेस्ट आ जाता है। तो आप तीन तीन चार चार घंटे तक उसको खेलते एक टाइम फिक्स करके, अलार्म करके फिर वो, क्योंकि अलार्म बजेगा तो आप पता चल जाएगा। ये थी पहली टिप। और दूसरी टिप मैं देना चाहता हूँ आपको कि आप एक रात को मत खेलिए पबजी, क्योंकि रात को जो चीज़ हम ज़्यादा करते हैं उसका एडिक्शन हमें ज़्यादा पड़ता है। तो आप रात को जहाँ तक इग्नोर कर सकें इग्नोर कीजिए, क्योंकि रात में हमें जो भी हम रात को जो भी काम करते हैं वो हमें एडिक्ट करता है। क्योंकि रात में हमें फिर उसकी आदत हो जाती है जिससे हमारी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती। हम कुछ भी काम करते हैं जैसे नींद आती रहती है, दिन में भी आप पबजी रात में मत खेलिए, तो इससे भी आप एडिक्शन से बच सकते हैं पबजी की। और तीसरे नंबर की टिप है मेरी तरफ से आपके लिए कि आप पूरा दिन पबजी खेलते हैं, ज़्यादातर छुट्टी वाले दिन पबजी खेलते हैं, लेकिन पबजी मत खेलिए। आप जैसे घर वगैरह के काम है थोड़ा बहुत उसमें ध्यान भटका लीजिए, क्योंकि पबजी में ध्यान भटका लिया आपने तो वो हो जाएगा। तो पहली टिप को इसमें आप आजमा सकते हैं, अलार्म भर के आप पबजी को खेलना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अलार्म आपको बता देगा इतना टाइम हो चुका है आपका, तो आप बंद कर सकते हो, क्योंकि आपका ध्यान थोड़ा भटक जाएगा तो आप वहीं पे पबजी को बंद कर दोगे। तो और कभी भी उस अलार्म को बंद मत करना, क्योंकि स्नूज करना, क्योंकि कई बार होता है मैच में होते हैं हम उसको बंद कर देते हैं लेकिन 10 मिनट बाद वो दोबारा बजना चाहिए। क्योंकि अगर वो अलार्म आपने बंद कर दिया वहीं पे तो आपका क्या फ़ायदा हुआ अलार्म का, क्यों इतने टाइम का टाइम ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं। तो ये कुछ टिप थी मेरी तरफ से, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए। कल दूसरा पार्ट आने वाला है पबजी की, आप अगर पबजी खेलना छोड़ना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो कल आएगी वो वीडियो 12:30 बजे।